नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल रुपीज 800 इतना हो गया. आपको टाइम पूछा है बेसिकली कि प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है. तो प्रिंसिपल से अमाउंट बन गया, मतलब कुछ ना कुछ 1860 में कुछ ना कुछ पैसा जुड़ा जिसकी वजह से ये अमाउंट इतना बन गया, और रेट भी आपको दे के रखा है. तो टाइम निकालना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. कैसे निकालोगे, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू 1 + rate × time/100. ठीक है, बस इस फॉर्मूले को लगाओ, यू विल गेट योर आंसर. कितना आ जाएगा अमाउंट, कितना है 2641.20. प्रिंसिपल कितना है 1860 इक्वल टू 1 + rate कितना है 12%. तो 12 टाइम हमें निकालना है और ये 100. क्लियर है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो इसका पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ से. तो पॉइंट हटाया, आगे दो टर्म्स हैं, तो नीचे कितना आएगा 100. ठीक है, तो 2641.20 ऊपर रहा, नीचे रहा 1860 × 100. और यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ 100, तो यहाँ पे 100 + 12 × t बन जाएगा. ठीक है, और 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया मेरा, इससे ये चीज़ कैंसिल आउट होगी. अब बचा 26412/186, और यहाँ बचा 100 + 12 t/1. ठीक है, इसको आप काट लो, किससे कटेगा ये बताता हूँ, एक मिनट. ये कट जाएगा 26412/186 चला जाएगा 142 से, ये चल जाएगा 142 से 142. तो यहाँ बचा 142, यहाँ बचा 100 + 12 t. इसको यहाँ लेके आऊँगा 142 - 100 = 12 t, यहाँ बचा 42. 12 t और टाइम निकल जाएगा आपका 142, ये कट गया 142, 100 + 12 t यहाँ पे आ गया, 100 मैं यहाँ ले आया, यहाँ बचा 42. और टाइम निकाल सकता हूँ 42/12, तो 21 × 2 और 21 × 2 = 42 और 2 × 6 = 12 और 3 × 7 = 21 और 3 × 2 = 6, 7/2. तो ऑप्शन चेक कर लो आप, 7/2 कौन सा ऑप्शन है, ये है 3 × 2 = 6 + 1 = 7/2. सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है. आपने 42/12 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, ये आपका काटने के बाद ये बन जाएगा टाइम 7/2. सो यही ऑप्शन आपका दे के रखा है ऑप्शन नंबर बी में 7/2. तो ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि 1860 कुछ हमारा प्रिंसिपल था, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ही जुड़ा और वो अमाउंट बन गया. तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे. ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे, वहाँ पे मैंने सारा कुछ आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है. तो आपको वहाँ से इजी हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज 4000 अर्न इन 18 मंथ्स एट 12% पर एनम. क्या कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल दे के रखा है, ये देख लो, रेट भी दे के रखा है और भैया टाइम भी दे के रखा है, टाइम मंथ में दे के रखा है. तो आप सबसे पहले टाइम को एयर में कन्वर्ट करोगे, एयर में कन्वर्ट करने के लिए आप मंथ्स को कितने से डिवाइड करते हो, 12 से. तो 18 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे. तो प्रिंसिपल आपका दे के रखा है 4000, रेट आपका दे के रखा है 12% और टाइम दिया है 18 मंथ्स. सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आप सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एयर की फॉर्म में निकालते हैं, तो मंथ्स को आप डिवाइड कर दो किससे, 12 से. तो 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12, 2 × 6 = 6 और 2 × 2 = 4. तो आपका टाइम आ जाएगा 3/2 years, ये बन गया आपका ईयर में. अब आप सिंपली आप फॉर्मूला डाल दो सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है आपसे, ऐसा ही होता हमारा P × R × T
हंड्रेड, तो प्रिंसिपल कितना था 4000, रेट कितना था 12/100 और टाइम कितना है भाई 3/2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे 40 × 6 × 3 ये बनेगा कितना, बनेगा 240 × 3 और ये बन जाएगा 720। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप जब ये वैल्यूज़ यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप बहुत इजीली आपका SI निकल जाएगा। तो ये आ गया SI 720। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख सकते हो कि SSC CGL में भी कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9th, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आप बहुत ढंग से समझना, इसकी आप लेंथ में देखना कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, रेटिंग मैंने 5 स्टार इसको दे के रखी है। तो इसकी मतलब इस क्वेश्चन की एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ रुपीज़ कितना है, मतलब सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल आपका कितना है 2800। तो क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल है 2800, उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। ठीक है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन द बोथ पार्ट, कि दो पार्ट में डिवाइड किया और दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद 2800 को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है भाई। इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, दोनों पार्ट्स में जो 2800 डिवाइड कर दिया मैंने पैसा, उसका जो ब्याज आया बेसिकली वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, स्टार दे दिया यहाँ पे मैंने। अगला, इफ़ द फर्स्ट पार्ट इज़ लेंट एट 9% पर एनम, कि पहले पार्ट को मैंने दे दिया 9% पर एनम पे 5 सालों के लिए, और सेकेंड पार्ट को मैंने दे दिया 10% पर एनम फॉर सिक्स ईयर्स। तो हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टू सम्स, तो हमें बोला है कि दोनों प्रिंसिपल बताओ। 2800 मेरा टोटल पैसा है, 2800 का कुछ भाग मैंने 9% पे दे दिया 5 सालों के लिए, और 2800 का कुछ भाग मैंने पार्ट 10% पे दे दिया कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए। तो अब ये पूछ रहा है कि जो मैंने 9% के ऊपर मैंने पैसा दिया और 10% के ऊपर मैंने जो पैसा दिया वो मुझे बताओ कि वो पैसा क्या था। कैसे करेंगे, बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिटरी मेथड। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे लिखोगे आप सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख लो चाहे, और इसको भी ऐसे लिख लो, और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पे जो आपका इंटरेस्ट है, ये देखो फर्स्ट पार्ट पे जो आपका रेट है बेसिकली वो कितना है 9% इसको लिख लो 9%, और सेकेंड पार्ट में जो आपका रेट है वो है 10%। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखो 9/100। ठीक है, इसकी भी फ्रैक्शन फॉर्म लिखो 10/100। तो देखो ये चीज़ प्रिंसिपल बताती है, ये बताती है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा यूनिट के फॉर्म में 100, और इंटरेस्ट कितना है यूनिट के फॉर्म में 9। पर एक चीज़ समझना, इंटरेस्ट ये जो है ना ऊपर वाला, ये हमेशा 1 साल का होता है। हमें कितने साल का पूछा है, 5 साल का। तो 1 साल का अगर 9 है तो 5 साल का कितना आ जाएगा 9 × 5 मतलब 45। यहाँ पे भी आ जाओ, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है चीज़, और ये ऊपर वाला इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आ गया आपका 100, इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 1 साल का, 1 साल का 10। आपको कितने साल का पूछा है, 6 साल का। तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 6, तो ये आ जाएगा आपका 60। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना है 100, और यहाँ पे इंटरेस्ट है 45। बट अब जो है वो एग्ज़ामिनर ने आपको बहुत अच्छा हिंट दे के रखा है। वो हिंट क्या है कि उसने कहा कि जब हम मैंने 2800 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इक्वल आना चाहिए। बट यहाँ पे देखो इंटरेस्ट मेरा 45 है, यहाँ पे 60 है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 3 से। आप जब 45 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा 180, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या
बनेगा 180। तो देख लो इंटरेस्ट क्या आ गया, इक्वल आ गया दोनों पार्ट्स का, ठीक है। अगर मैंने इंटरेस्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस पार्ट में प्रिंसिपल को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इस पार्ट में मैंने इंटरेस्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब प्रिंसिपल कितना आ गया 400, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आ गया 300, ठीक है, यूनिट के फॉर्म में। अब देखो, अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 400, यहाँ प्रिंसिपल कितना है 700, ठीक है। टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ दूँ तो 700 आएगा। बस 700 की वैल्यू हमें दे के रखी है 2800। यूनिट की फॉर्म में अगर मैं जोड़ूँ तो ये बनेगा 700, और एक्चुअल फॉर्म में जोड़ूँ तो 2800। तो यूनिट की फॉर्म हमारी हमेशा एक्चुअल फॉर्म के इक्वल होती है। तो 700 किसके बराबर आ गया 2800 के, और यहाँ पे एक की वैल्यू निकाल सकते हो आप 2800/700, 2800 यही रहा, 700 इसके नीचे आ गया, 700 की जगह कुछ नहीं बचा, ये 2 से 0 कैंसिल आउट, तो 7/4=28, तो एक की वैल्यू 4 है। अब यूनिट की वैल्यू निकल गई एक की वैल्यू, ठीक है, यूनिट की वैल्यू निकल गई। तो आप एक की वैल्यू 4 है तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400/4, और 300 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/4, तो ये बन जाएगा आपका 1600, और यहाँ ये बन जाएगा 1200, ठीक है। तो पहले पार्ट में जो उसने पैसा लगाया वो लगाया उसने 1600, और दूसरे पार्ट में जो उसने पैसा लगाया वो लगाया 1200, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक यूनिट की, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था 400, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1600 बन जाएगा, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था 300, उसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1200। तो ये मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मेरे पास एक और है, बस उसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा चेंज है वो आपको बताता हूँ क्या चेंज होगा उसमें। उसमें भी प्रिंसिपल दे के रखा होगा हमें, उस पर भी हमें रेट अलग अलग दे के रखे होंगे, बस उसमें सिर्फ इतनी एक चीज़ ये है कि उसका जो टाइम जो है ना वो सेम है, टाइम जो है वो सेम है। जैसे यहाँ पे 5 ईयर्स दे के रखा है और यहाँ पे 6 ईयर दे के रखा है, उसमें टाइम जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब एक ही साल के लिए आपको अलग अलग रेट दे दिया और प्रिंसिपल दे दिया, और उसको डिवाइड प्रिंसिपल को डिवाइड करो, आप बताओ कि मतलब 9% के ऊपर कितना पैसा लगाया था और 10% के ऊपर कितना पैसा लगाया था। तो उस क्वेश्चन में सिर्फ टाइमिंग जो है वो बेसिकली सेम रहेगी, ठीक है, वो बताता हूँ। अब क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ रुपीज़ 1550, उसको दो पार्ट में दे दिया, एक 8% के रेट पे दे दिया, एक 6% के रेट पे दे दिया। तो टोटल एनुअल इनकम, टोटल एनुअल इनकम का मतलब ये है कि टोटल इंटरेस्ट कितना है 106। सो फाइंड द मनी लेंट एट ईच रेट, कि 8% के ऊपर कितना पैसा दिया और 9% के 6% के ऊपर कितना पैसा दिया। क्वेश्चन वही है, बस इसमें एक समझने वाली चीज़ है कि पिछले वाले क्वेश्चन में रेट दो थे पर उनकी टाइमिंग अलग अलग थी, इस क्वेश्चन में हमें टाइम देके नहीं रखा, इसका मतलब टाइम जो है वो सेम है, टाइम आपको 1 मानना है एक साल के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है कि आप एलिगेशन लगाओगे, जब टाइम सेम, दो रेट दे के रखे हों और उसका टाइम सेम हो तो आप एलिगेशन लगाओगे, और जब दो रेट दे के रखे हों और उसका टाइम अलग अलग हो तो आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, बहुत इजी है, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, तो 8% ऐसे करो, एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन कैसे लगेगा बताता हूँ मैं आपको। हम क्या करेंगे कि 1550 का 8% ले लेंगे, ठीक है, 1550 का 8% कितना आ जाएगा बताता हूँ मैं, एक मिनट, पंद्रह सौ पचास का 8% लेंगे हम, इसका 8% कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 124। फिर 1550 का ही हम क्या लेंगे 6%, कितने बन जाएगा 6% बनेगा 93, ठीक है, 6% कितना बन जाएगा 93।
तो 1550 का हमने सबसे पहले 8% लेना है और फिर 1550 का हमने 6% लेना है। ये जो आया 124, ये इंटरेस्ट है बेसिकली। क्या है इंटरेस्ट? आप एलिगेशन लगाओगे, देखो ये था 8% वाले का इंटरेस्ट 124, और यहाँ पे 6% वाले का इंटरेस्ट कितना है 93। जब भी आप एलिगेशन प्लेस करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये इंटरेस्ट लिखा, ये भी इंटरेस्ट लिखा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बीच में इंटरेस्ट। तो आपको टोटल इंटरेस्ट दे के रखा है कितना, 106। और एलिगेशन प्लेस करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में क्या रखनी है कि ये जो तीन वैल्यूज़ हैं इसमें ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, वो एक वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू है बेसिकली इन दोनों टर्म्स का क्या होना चाहिए, एवरेज, या इनके दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक से बड़ी और एक से छोटी। तो 124 से 106 छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 93 से 106 बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, और ये भी इंटरेस्ट है, ओके। आप इससे इसको माइनस करोगे, फिर इससे इसको माइनस करोगे, इससे इसको माइनस करो, 124 माइनस 106 18 बचेगा, और 106 माइनस 93 कितना बने बचेगा, 30। 124 माइनस 106 माइनस किया मैंने तो 18 आया मेरा, 106 माइनस 93 तो 13 आया। जब भी आप इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो ये जो 13 और 18 आया, ये बेसिकली क्या है, ये है प्रिंसिपल का रेशियो, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल का रेशियो, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है उसका ये रेशियो है, प्रिंसिपल का रेशियो। तो देखो रेशियो में प्रिंसिपल कितना है टोटल, रेशियो में प्रिंसिपल है टोटल 31, इनको जोड़ दूंगा, रेशियो में प्रिंसिपल 31 है, और एक्चुअल में हमारा प्रिंसिपल कितना है, वो है 1550, ठीक है, ठीक है। तो हमारा रेशियो का प्रिंसिपल 31 है, उसकी वैल्यू देके रखी है क्वेश्चन में एक्चुअल 1550। तो 31 की वैल्यू आ गई 1550, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1550 अपॉन 31। इसको आप काटोगे तो आपको 50 मिल जाएगा। तो यूनिटरी मेथड फिर से आ गया कि एक की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 30 × 50, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 18 × 50, तो ये आ जाएगा 650, और यहाँ पे आ गया 900। तो भैया 6% पे उसने लगाया पैसा 900, 6% पे उसने पैसा लगाया 900, और 13% पे उसने लगाया पैसा 650। 650 कैसे आया, एक यूनिट की वैल्यू मिल गई मुझे 50, उसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 650 बन गया, 18 को भी उस 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 900 बन गया। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये एलिगेशन किन क्वेश्चंस में लगाना है, जब आपको कुछ प्रिंसिपल दे के रखा होगा उसको आप वो कह रहे हैं कि मतलब इस प्रिंसिपल का कुछ पार्ट हमने इतने परसेंट पे दे दिया और इसी प्रिंसिपल का कुछ पार्ट हमने इस इतने परसेंट पे दे दिया, बट इसका टाइम जो है वो सेम है, टाइम दे के नहीं रखा, मतलब टाइम सेम, तब आप एलिगेशन लगाओगे, ठीक है। और अगर वैसे ही मतलब दो पार्ट्स में प्रिंसिपल डिवाइड हो रहा है, उनकी टाइमिंग भी अलग है, अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, तब आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, ठीक है। ये है यूनिटरी मेथड, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको ये समझ आए हैं और आपको अच्छा लग रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।